नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एमपीस इन्फोटेक्निक या विशेष इन्फोटेक्निक स्टॉक के बारे में। सो गस फिलहाल के टाइम यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों शेयर में तो उतार चढ़ाव बिल्कुल भी देखने को मिल नहीं रहा है, पर यहाँ पे देखा जाए कि जो लाखों की जो क्वांटिटी है वो बाइंग के ऑर्डर बुक पर यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों आज जो है एक बार फिर से कुछ कंपनियों को कुछ बड़ा बदलाव देखने को नजर आया, क्योंकि दोस्तों आंतरिक जो स्ट्रक्चर है एक बार फिर से आज मजबूत देखने को नजर आया है। फिलहाल दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग की जो कमेंट ये देखने को मिल रहा है कि सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट है वो किस प्रकार का नजर आ सकता है और आने वाले 4 से 5 महीने का जो टारगेट है वो क्या रह सकता है। तो दोस्तों जो जानकारी है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों शेयर की आज की प्राइस की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो प्राइस यहाँ पे रहने वाली है 45 से 40 पैसे के ऊपर। गिरावट की बात की जाए तो 40 पैसे तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, पर जो हाइएस्ट जो जंप देखने को मिला वो 45 पैसे तक ही देखने को मिला। पर इस बीच अगर आज देखा जाए तो दोस्तों फिलहाल जो है 20 लाख प्लस की जो है क्वान्टिटी है बाइंग पर यहाँ पे देखने को मिली है। अब लगातार सवाल पर सवाल ये देखने को मिल रहा है कि सर जो बाइंग क्वान्टिटी बिग टाइम जो लाखों की जो क्वान्टिटी बिग टाइम जो देखने को मिल रही है वो किस वजह से नजर आ रही है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल पहले भी दिया था और एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि फिलहाल दोस्तों अगर कंपनी का स्ट्रक्चर अगर आंतरिक स्ट्रक्चर अगर यहां पे मजबूत अगर होगा तो दोस्तों जो बाहरी स्ट्रक्चर है उस चीज़ पर कुछ भी प्रभाव देखने को नहीं आने वाला है। फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों आंतरिक स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर देखा जाए जो मार्केट कैप है वो एक तो दोस्तों अच्छा खासा नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग को मैं बताऊँ कि फिलहाल जो है कंपनी कर्ज मुक्त यहाँ पर रहने वाली है, थोड़ी सी दोस्तों जो स्ट्रक्चर में जो नेगेटिविटी जो देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि कंपनी जो प्रमोटिंग होल्डिंग है वो दोस्तों थोड़ी ज़्यादा गिरावट पर नजर आ रही है। कंपनी की जो प्रमोटिंग होल्डिंग है, प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 1.35% की हिस्सेदारी अभी टाइम बची हुई है। फिलहाल दोस्तों जो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 98% के आसपास है, बाकी जो दोस्तों जो 0.35% में बस रही है वो दोस्तों FII और DII के पास होने वाली है। तो इस वजह से जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो दोस्तों देखा जाए तो कंटिन्यूसली मजबूत यहाँ पर नजर आने वाला है, पर दोस्तों जो प्रमोटिंग होल्डिंग की वजह से थोड़ी सी जो कंपनी में वीकनेस का जो फंडामेंटल है वो जो सामने नजर आ रहा है, इस वजह से कंपनी में थोड़ा सा जो आगे चलकर जो है फ्यूचर का जो टारगेट है उस पर थोड़ी सी जो है आँस यहाँ पर देखने को नजर आ सकती है। पर फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि कंपनी जो है वापस से यहाँ पे रिकवर होने का जो चांस है वो यहाँ पे बढ़कर निकल सकता है, क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों 1 महीने का फंडामेंटल देखें तो उसमें भी नेगेटिविटी आप लोगों को नज़र आ रही है, और अगर 6 महीने का फंडामेंटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो वही यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बदलाव फिर देखने को मिला कि 60 पैसे से दोस्तों वापस जो है 45 से 40 पैसे पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जो लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट है वो आप लोग को दोस्तों जो है अच्छा खासा इस वजह से देखने को नजर आ सकता है कि जो आगे जो फ्यूचर है वो दोस्तों टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, सॉफ्टवेयर सिस्टम पर आधारित यहाँ पे रहने वाली है। तो कंपनी को दोस्तों अगर यहाँ पे छोटा मोटा भी अगर यहाँ पे एक कंपनी को कम से कम दोस्तों लगभग देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट भी अगर यहाँ पे 1 साल का पर ईयर के हिसाब से मिलता है तो कंपनी का दोस्तों आंतरिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव यहाँ पे देखने को नजर आएगा वो बड़ा बदलाव नजर आएगा। अगर उस प्रकार का बदलाव आता है तो कंपनी में दोस्तों तेजी जो है वो बढ़ेगी और प्रमोटिंग होल्डिंग बढ़ेगी तो कंपनी में दोस्तों किस प्रकार का जो खतरा है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, उस चीज़ है काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को नजर आ सकता है। पर फिलहाल दोस्तों शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है वो देखने को जल्द ही मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों बेसिक जानकारी को और बेसिक फंडामेंटल की और आप लोग को मैं लेकर चलूँ, उससे पहले बता दूँ चैनल पर बनाए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज के कारोबार की अगर मैं बात करना था तो कारोबार जो देखने को नजर आया वो 73,989 शेयर का आज कैंट्राडे में नजर आया। साथ ही साथ दोस्तों आंतरिक में देखा जाए तो जो बाइंग क्वांटिटी है वो 20,14,408 शेयर की जो आज है एक बार फिर से बड़ा ऑर्डर बुक यहाँ पे देखने को मिला। सेलिंग पर दोस्तों कुछ भी जो है क्वांटिटी नज़र यहाँ पे नहीं आई, पर फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंपैक्ट कॉस्ट अच्छी खासी रहने वाली है और जो टोटल मार्केट कैप दोस्तों हम लोग को पिछले टाइम 151 करोड़ का जो देखने को मिल रहा था वो आज यहाँ पे देखा जाए तो 16,984 लाख का टोटल मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिला था। दोस्तों आंतरिक जो स्ट्रक्चर में अच्छा खासा आज इंप्रूवमेंट जो है वापस यहाँ पर नजर आया, भले दोस्तों शेयर में तेजी देखने को ना मिली हो, पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो डिलीवरी आज के देखने को मिलने वाली है वो दोस्तों 45.70% की डिलीवरी यहाँ पे आज के इंट्राडे में रहने वाली है। साथ ही साथ क्वांटिटी का जो ट्रेड रहने वाला है वो 66,35,275 शेयर का आज के इंट्राडे में जो है कारोबार यहाँ पे रहने वाला है। देखा जाए तो दोस्तों इंडियन मार्केट में भी अच्छी खासी निफ्टी 50 पर भी दोस्तों अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली, पर फिलहाल दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा दोस्तों अभी का टाइम जो है पेशेंस आपको बनाए रखने की
चीज़ हो सकता है वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आने वाली है कि दोस्तों फ्यूचर टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर आपका प्रॉफिट जो रहने वाला है वो ज़्यादा तो आप लोग को देखने को मिलने वाला है, पर दोस्तों जो रिकवरी है वो आप लोग को इसी लेवल पर देखने को मिलने वाली है ज़्यादा तेज़ी के साथ। दोस्तों इस प्रकार की जो तेज़ी है वो आप लोग को कम नज़र आएगी, पर दोस्तों इस प्रकार की जो तेज़ी है वही आप लोग को नज़र आने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी जो इसी प्रकार से पिछले टाइम से काफ़ी लॉन्ग टाइम से दोस्तों इसी प्रकार चलती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल रहो आप लोग को दोस्तों होल्ड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकताएं रहने वाली है। बाकी इस कंपनी के बारे में जो भी अपनी बेसिक जानकारी हो दोस्तों, कोई बेसिक नॉलेज हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर बता देना। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर शेयर कर देना। और आपकी नज़र में पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।